हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, हम जब भी सिनेमैटिक वीडियोस के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे लोकेशन एंड अच्छे इक्विपमेंट्स के बिना सिनेमैटिक वीडियोस शूट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात कुछ हद तक करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे शॉट्स ले पाएंगे। लेकिन अच्छे इक्विपमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीन को कंपोज करने का स्किल होना। इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हो, लेकिन स्किल जो है वो आपको डेवलप करना होगा, आप उसको खरीद नहीं सकते। अगर आपके पास सीन्स को कंपोज करने का स्किल नहीं है, तब आपके पास अगर अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तब भी आप सिनेमैटिक वीडियोस शूट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल डेवलप कैसे होगा? थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगा, एंड उसके मदद से आप एक स्मार्टफोन का कैमरा यूज करके भी आप अच्छे अच्छे शॉट्स ले पाओ। इस चीज को मैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ मेरे घर के बालकनी में, जहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, बट मैं वहाँ पे कुछ शॉट्स लूंगा एंड उसको सिनेमैटिक वीडियोस में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपको वो वीडियो सिनेमैटिक लगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं मेरे घर के बालकनी में। तो ये मेरा फ्लैट का बालकनी है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये देखिए पूरा बेलकोनी। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले पाऊँ। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पुराना वॉशिंग मशीन रखा हुआ है जो कि टूटा है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे एक टैप है। ओके, और इस तरफ रेलिंग, एंड देन इस तरफ एक पुराना एसी रखा हुआ है। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये एक पुराना एसी है, एंड उसके पीछे थोड़ा सा उस कोने में आपको दिखाई देगा कुछ ग्रास जैसे हैं, एंड अदरवाइज इस देखिए इस बालकनी में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले पाऊँ। ओके, इस तरफ एक रोड है, ये देख सकते हैं ये रोड है। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैं थोड़ा सा एक सिनेमेटिक क्लिप बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अच्छे इक्विपमेंट्स होने से भी ज्यादा जरूरी आपके अंदर वो स्किल होना जरूरी है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, अलग अलग जगह में जाके अलग अलग शॉट लें, एंड उसके बाद उसको आप सिनेमैटिक वीडियोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से धीरे धीरे देखेंगे कि आपके वीडियोस में इंप्रूवमेंट आएगा और आप अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।